अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद मेहरीन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ क्रिस्पी क्रंची पेटिस पराठा, जो बहुत टेस्टी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने लिया है पुदीना, एक हरी मिर्ची और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जिसे हमने पीस लिया। उसके बाद एक खीरा, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। एक प्याज, इसको भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। एक पाव दही में हम पुदीना पेस्ट, खीरा और प्याज ये मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये हमारा रायता रेडी हो गया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखें कितना अच्छा रायता हमारा रेडी हुआ है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम अपना आटा गूंद लेते हैं। सिंपल मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया और नमक हसबे ज़ायका। ये आप सिंपल आटा गूंद लें पानी से। देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अब हम जो है फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 3 अदद अंडे, 2 आलू जिनको हमने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया था, चिकन को हमने बॉईल किया, उसके बाद हमने इसके रेशे कर लिए, बहुत बारीक रेशे किए हैं। इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, हरा धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक कटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद हमने एक प्याज, उसे भी बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। सबसे पहले हमने एक बाउल में 3 अंडे ले लिए। इसमें सबसे पहले हम जो है चिली सॉस ऐड कर देंगे, विनेगर, सोया सॉस, हरा धनिया, हरी मिर्च। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे, आलू जिनको बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, चिकन बिल्कुल बारीक हमने इसे रेशे कर लिए हैं ये हम मिक्स कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक। ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखें हमारी फिलिंग कितनी अच्छी रेडी हुई है। अब हम सिंपल जो हमने आटा गूंद के रखा था वो हम लेंगे। देखिए हमारा आटे को भी 10 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल सही हो गया है। इसके छोटे छोटे से आप पेड़े बना लें। फिर इस तरह बिल्कुल पतली रोटी बेल लें। इसके बाद सेंटर में फिलिंग कर दें, देखें इस तरह। फिर फोल्डिंग करेंगे हम स्क्वायर शेप में। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है मेरे घर में, आप लोग ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके घर में भी बहुत पसंद की जाएगी। अब इसको बहुत आराम से उठा के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमें जो है फ्राई करना है, क्योंकि जो एग है वो अंदर से सही से पक जाए। देखें कितना अच्छा हमारा पराठा रेडी हो रहा है। देखिए हमने सारे अपने पराठे रेडी कर लिए हैं। अंदर की फिलिंग देखें आप कितनी अच्छी बनी है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इन्जॉय करें और अपना ख़ास ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।